नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली एम्बुलेंस सेवा के 9000 बर्खास्त एम्बुलेंस कर्मियों ने बहाली की मांग को लेकर इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में एम्बुलेंस कर्मी धरने में शामिल है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जीवन दायिनी स्वास्थ्य विभाग 108-102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश बैनर तले धरने पर बैठे एम्बुलेंस कर्मियों ने कहा कि जब तक बर्खास्त एम्बुलेंस कर्मियों की बहाली नहीं हो जाती, तब तक इनका धरना और रावण अनशन चलता रहेगा। इन लोगों ने नियुक्ति प्रदाता कंपनी ग्रीन हेल्थ सर्विस पर भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला समझने के लिए आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। सेना योद्धा का अपमान, नई सेना हिंदुस्तान, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे आओ जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कहे जाने वाले एम्बुलेंस कर्मी आज भूखमरी की कगार पर हैं और न्याय की दरकार में इको गार्डन में दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कई दिन से यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, अब तो इनका आमरण अनशन भी चालू हो चुका है। बता दें कि ये लोग वर्ष 2021 में अपनी मांगों को लेकर, जायज मांगों को लेकर, उस समय कार्यदायी इनकी संस्था जीबीके ईएमआरआई थी, जिसके शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ इन लोगों ने यहाँ इको गार्डन में आवाज़ उठाया था और इतना बड़ा प्रदर्शन किया था कि सरकार भी हिल गई थी, जिसके बाद एक साजिश के तहत 9000 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और तब से ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किंतु इनको अभी तक न्याय नहीं मिला। कई बार स्वास्थ्य मंत्री के दरवाजे पर इन लोगों ने गुहार लगाई, अपनी बात रखी, मांग पत्र दिया, किंतु अभी तक उस बात पर कोई अमल नहीं किया गया। इसी क्रम में कर्मचारियों के ये लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हनुमान जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे? कहना कि हम लगातार, हमारी पैदल यात्रा निकली थी 10 तारीख से इटावा से जिला मुख्यालय से पैदल यात्रा लखनऊ तक आए थे। मान लीजिए 21 तारीख से मुलाकात हुई, 7 दिन का आश्वासन मिला था। 7 दिन बाद हम लोग फिर आए, आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। आज फिर वार्ता हुई है कोई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं निकला कि कंपनी से बोल दिया कि वापसी हो जाए, लेकिन अब ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार बड़ी है कंपनी बड़ी है। जब आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, सूबे के राजा हैं, उत्तर प्रदेश आप पूरा देख रहे हैं, तो आप कंपनी को इतना टाइम लग रहा है कि हम लोगों की वापसी ना हो पाए, तो हम कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसलिए आज हमारे सारे साथी लोग, आप देख लीजिए आगे, सब भूख हड़ताल पर बैठे, जब तक ठोस निर्णय नहीं लिया तब तक लोग यहाँ भूख हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे। इस संबंध में किन किन लोगों से वार्ता आप लोगों की हुई है? कोई सकारात्मक आश्वासन मिला था कि नहीं मिला था? नहीं, क्या हुआ था? अभी तक कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला। इस संबंध में हमारी माननीय मुख्यमंत्री, वो उप मुख्यमंत्री विजय पाठक, स्वास्थ्य मंत्री में वार्ता हुई है, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं मिला अभी तक। जी भाई, आपका परिचय? मेरा नाम शिवनी सिंह है, मैं फरुखाबाद से हूँ, पायलट हूँ। क्या कहना चाहते हैं? इतना लंबा समय हो गया है, आप लोग वर्ष 2021 से निष्कासित कर दिए गए हैं और अभी तक आप लोग को रिज्वाइनिंग नहीं हुई। हम सरकार से यही अनुरोध कर रहे हैं कि हम 9000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को बहाल किया जाए, जिससे हम लोगों का भी परिवार चले। हमने सरकार को वोट दिया है, ना कि कंपनी को वोट दिया है, हमने सरकार को वोट दिया है। सरकार हमारी बात सुने और हम हमारे साथ न्याय करे, हम 9000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को रोजी रोटी दें। देखा जाए तो ये लोग कोरोना योद्धा हैं और इन लोगों को सम्मानित किया गया था, प्रशस्ति पत्र दिया गया था, मेडल भी इन लोगों को दिए गए थे, इनाम में इनको क्या हुआ, बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्यों बाहर का रास्ता दिखा दिया था, आखिर क्या दोष था आप लोगों का? 2021 में कोविड के बाद, दूसरी लहर के बाद, हम लोगों ने सैलरी बढ़ोतरी की मांग की, जो हमारा अधिकार है, ओवर टाइम का पैसा नहीं दे रही थी उसकी मांग की, और कुछ हमारे कर्मचारियों के जो अनियमितता थी उनकी हमने मांग की, तो वो ना मिलके सीधा सीधा कंपनी ने ये कहा कि हमने सरकार के कहने पे आपको निकाल दिया। उस दिन से आज तक लगातार संघर्ष हो रहा है और समय समय पे हम लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन इस बार ये न्याय आमरण अनशन है। न्याय आमरण अनशन क्यों रखा गया? क्योंकि हमने न्याय यात्रा निकाली थी जिला इटावा से और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ। कब निकाली? 10 सितंबर 2024 में निकले थे, 20 सितंबर 2024 में आए, 21 सितंबर को हमारी मुलाकात, 22 में मुलाकात हुई, आश्वासन दिया,
माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने सारे कर्मचारी उस समय हमारे पास 2000 की भीड़ थी न्याय यात्रा में, और सबके सामने बोला है, वीडियो है कि हम आपकी वाली करेंगे। 7 दिन हो गए, फिर उसके बाद 1 हफ्ता हो गए, 22 सितंबर से आज तक सिर्फ आश्वासन मिला। उस दौरान जब आप लोग स्वास्थ्य मंत्री से मिले थे तो मीडिया में एक आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी शायद छपी थी कि आप लोग को समायोजित कर लिया जाएगा। जी, तो ये खबर अगर छपी है तो निश्चित रूप से विभाग के अधिकारियों द्वारा ही प्रेस नोट जारी किया गया होगा। बिल्कुल सर, उन्हीं के आखिर ये खबर तभी तो छपी है कि हमारा समायोजित किया जाएगा, लेकिन आज तक अब तक नहीं हुआ। तब हमने कहा अब न्याय आमरण अनशन, यहाँ से मैंने साहब आज भी माननीय जी के आवास पे एक वीडियो के माध्यम से बोला, फिर से मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, यदि हमारे कर्मचारी को या हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो कंपनी के डायरेक्टर कृष्णा राजू, टीवीएस रेड्डी और संदीप दुबे जिम्मेदार होंगे, सरकार से निवेदन करेंगे, इन पे सख्त से कार्रवाई करो, हमारे किसी भी भाई के साथ अनहोनी होती है। एक सवाल और उत्पन्न हो रहा है कि जब नैतिक ढंग से, जबकि आप लोगों का कोई ऐसा गुनाह नहीं था, ऐसा कोई दोष नहीं था, आप लोगों को जबरदस्ती बाहर का रास्ता जब दिखा दिया गया, तो एक सवाल और आता है जहन में कि आप लोग कोर्ट की शरण में क्यों नहीं गए? कोर्ट के शरण में इसलिए नहीं गए हैं, उसके हम लोग लेबर कोर्ट में भी हमारे कुछ कर्मचारी गए, क्योंकि इतना फंड नहीं है भाई, 12-13 हज़ार की नौकरी है, 2.5 साल से हम लोग 3 साल से बेरोजगार हैं, कोर्ट में जाइए तो अनाप शनाप वकीलों का पैसा चाहिए, तो हम लोग कहाँ से लाएं? सबसे बड़ी बात है, चाहे कोर्ट हो चाहे कचहरी कोई भी हो, त्यौहार लोगों के नहीं मान रहे, आर्थिक स्थितियाँ डैमेज हो गया, 10 लोगों ने आत्महत्या की है, उसका न्यूज पेपर में मीडिया ने निकाला, उस पर जाँच कमेटी जिस जिले में ख़त्म हुई वहाँ का प्रशासन ने कहा मैं जाँच बिठा रहा हूँ, आज तक किसी को ना 10 भाइयों के जो आत्महत्या गई उनके परिवार अभी भी बच्चे भटक रहे हैं, घर पे कोई कमाने का नहीं, उसकी जिम्मेदारी का 10 लोगों ने आत्महत्या की है। अब तो एक बात और सामने आ रही, कंपनी का नाम बदल के चेहरा वही है, केवल बोर्ड बदल दिया गया है, क्या नाम इस समय हो गया? कंपनी भी वही है, नाम बदला है, अधिकारी भी वही है, हमको जब ज्वाइनिंग की थी तब और कंपनी थी, जब टर्मिनेट हुए तो दूसरी कंपनी है, वर्तमान में आज यही जीबी के हमारा 4 कंपनियों जो कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं 4 कंपनियों के नाम से चल रही है। समय ग्रीन हेल्थ सर्विस, ग्रीन हेल्थ को एक बना रखा है, लेकिन जो कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं उनका सैलरी स्लिप आ जाए, अपॉइंटमेंट उसमें भी 4 कंपनियां अंदर बनी है। एक सवाल और था कि यह कंपनी आप लोगों से जबरदस्ती अनैतिक काम कराती थी, भ्रष्टाचार में आप लोगों को ढकेल रही थी, किस तरह से ढकेल रही थी? आप एक बताइए, ऐसा 1 घंटे में माना कि 5 किलोमीटर का केस है, तो 5 किलोमीटर के समय में कितना भी रास्ता क्लियर होगा, ट्रैफिक मान के तो 15-20 मिनट में गाड़ी पहुँचेगी, फिर पेशेंट को शिफ्ट कराने में घर से मरीज आता है शिफ्ट होता है एम्बुलेंस में 5-7 मिनट 10 ले लेती है, ठीक है, 5 किलोमीटर में 20-25-30 मिनट लग जाता है एक केस में, और वही ये 1 घंटे में 1 दिन में 50-50 केस करती है, कैसे कर सकती है इसकी कल्पना करो, 24 घंटे में आप 50 केस कैसे कर सकते हो जब 5 किलोमीटर में 35-40 मिनट लग जाता है। दबाव बनाया जाता था उसके लिए, दबाव ग्रुप है, HRP डे 2 हैं, अब 5 मनाए जाते हैं महीने में, ये EME जो होता है, PM होता है, RM होता है, ये ग्रुप में डाल देता, आज 25 के चाहिए 30 के चाहिए, जब हम लोग ड्यूटी करते थे उस समय 35 करोड़ की वो थी बिलिंग, आज 90 करोड़ की बिलिंग हो रही है, इतनी जल्दी रातों रात केस कहाँ से आ गए, हर महीने की 90 करोड़, 80 करोड़ 95 करोड़ की बिलिंग हो रही है, कंपनी उत्तर प्रदेश से ले रही है। एक समय था इसी तरह भ्रष्टाचार का, इन लोगों ने चिट्ठा खोला था जीभ के MRI का, और जिसकी वजह से इन लोगों का बेरोजगार कर दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, अब ये लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, ये लोग कोरोना काल में जिस तरह से अपनी जान हथेली पर रखकर काम किए हैं और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराए हैं, लोगों की जान बचाए हैं, तमाम इस समय भी देखा जाता है तमाम ऐसे प्रसव से संबंधित केस ऐसे होते हैं कि ये लोग प्रशिक्षित हैं, इन लोगों को एक लंबा अनुभव है, प्रसव वगैरह भी जो इमरजेंसी होता है ये लोग जो है उसको अपने हिसाब से देख लेते थे और
प्रसूता की जान बचाए हैं, कई लोग ऐसे उदाहरण यहाँ पर साबित हुए हैं, कई लोगों को इनाम मिला है, किंतु 9000 कर्मचारी एक बहुत बड़ा रोल था 9000 कर्मचारियों का। और आज ये 9000 कर्मचारी जब विभाग से बाहर हैं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज नए लोगों को इनकी जगह पर जो भर्ती दे दी गई है वो किस तरह काम कर रहे हैं, शायद कंपनी का जो भ्रष्टाचार का रवैया था उसी के अनुसार काम कर रहे हैं, तो इन लोगों को वो लोग क्यों रखेंगे, गाढ़ी कमाई क्यों अपनी जो है व्यर्थ होने देंगे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कंपनी की जांच होनी चाहिए, इन लोगों की जो मांग है उस मांग पर सरकार को अमल करना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री जी को अमल करना चाहिए। अभी विगत माह जिस तरह से मीडिया में एक खबर छपी थी कि इन लोगों को समायोजित कर लिया जाएगा, किसी को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, निश्चित रूप से इन लोगों के चेहरे पर जो एक खुशी की एक लकीर देखी गई थी आज वो मायूसी में बदल गई है और ये लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। हम कुछ तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में 40 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं और इन लोगों ने सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दी है, विभाग के उच्चाधिकारियों को चेतावनी दी है कि इन लोगों की तबीयत खराब हुई, इन लोगों के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार सरकार होगी, संबंधित विभाग होगा। इसी क्रम में ये लोग हैं आमरण अनशन पर। कितने दिन से भैया आमरण अनशन पर बैठे? आज पहला दिन है। पहला दिन है जी। क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, जिस प्रकार हमको 20 और 22 तारीख में आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है कि एक सप्ताह के अंदर आपका समाधान कर दिया जाएगा और हमारा समाधान अभी तक नहीं हुआ, इसलिए कल जो है प्रदेश कमेटी द्वारा एक मैसेज दिया गया कि आप लोग भूख हड़ताल के लिए स्वास्थ्य मंत्री के आवास पर सुबह 7 बजे आ जाइए। हमारी सभी साथी जो है सुबह 7 बजे उनके आवास पर पहुँचे, उसके बाद वहाँ से हमको इको गार्डन भेज दिया गया है। तो कब तक चलेगा ये सब? एक लंबे समय से आप लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हो जी। ये भूख हड़ताल तब तक चलेगा जब तक हम लोगों की बहाली नहीं हो जाती है। अगर बहाली नहीं होगी तो हम लोग इसी तरह का लगातार जो है भूख हड़ताल पर अपना जो है जीवन त्याग सकते हैं, लेकिन भूख हड़ताल को ख़त्म नहीं करेंगे। भैया आपका क्या नाम है? कुंवरपाल सिंह। एक चीज बताइए, जब से आप लोग बाहर हुए हैं यहाँ से नौकरी से जी, कैसे खर्चा चल रहा है? क्या करें, मजबूरी है, ऐसे चला रहे हैं। बीवी बच्चों का खाना पीना भी नहीं हो पा रहा, नहीं हमारा बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, हमारा खाना पीना नहीं हो पा रहा, माँ बाप का वो नहीं हो पा रहा, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, नहीं जा पा रहे, कैसे जा पाएंगे बताइए। और लोग भी हैं। भैया क्या नाम है आपका? रमेश कुमार नाम है सर मेरा जी। कैसे चल रहा है सर? कहाँ चल रहा है, अगर चलता तो यहाँ तक आने की नौबत कहाँ होती। वर्ष 2021 से आप लोग को वेतन मिला है, आप लोग बाहर हो गए हैं, तो कैसे अपने को जिंदा रखेंगे? कुछ नहीं, बस जिंदा क्या है, बस एक जीते जागते मृत्यु के समान घूम रहे हैं। बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, अब वहाँ भी मरना ही है भूखे, और वहाँ से अच्छा यहाँ भी मरना ही है भूखे, तो हम यहीं मरेंगे भूखे, वहाँ नहीं मरेंगे। एक भैया है लग रहा बीमार हो गए हैं, सुबह से बिना खाए पिए यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं। क्या नाम है भैया? जहीर का। जहीर जी, ये क्या कहना चाहेंगे, कुछ सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग है कि जो हम लोग एम्बुलेंस कर्मचारी हैं इनको बहाल किया जाए और हम लोग सरकार के साथ पब्लिक के साथ इतना अच्छा काम किए थे कोरोना में, जब कोई छू नहीं रहा था किसी को, तब हम लोग देवदूत बन के अस्पताल पहुँचाते थे। आज हम लोगों को बाहर कर दिया गया, पहले सम्मान दिया गया हमारे भाइयों को, उसके बाद अपमान किया गया, बाहर निकाल दिया गया, हमारे लड़के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए, हम लोग अब नौकरी कहीं कर नहीं सकते क्योंकि 10 साल इसमें दिए, अब कोई की 40-45 साल है, कोई 50 साल हो गया है, कोई 38 साल हो गया है, तो अब कहाँ हमको नौकरी मिलेगी, इसलिए हमें सरकार से निवेदन है कि हम लोगों को बहाल किया जाए। इसी क्रम में यहाँ पर एक कोरोना योद्धा है और जो आज तमाम मेडल्स और प्रशस्त पत्र पाने के बाद आज बेरोजगार हैं और नौकरी से निकाल दिए गए हैं। भैया क्या नाम है आपका? बबलू श्रीवास्तव।
क्यों नौकरी से निकाल दिया गया? इसलिए हम लोग को निकाल दिया गया, कंपनी जो है भ्रष्टाचार करती थी उसको उजागर किया हम लोग ने और अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बोला, इसलिए हम लोग को निकाल बाहर कर दिया गया। ये सम्मान कब मिला था आपको? ये कोरोना जब खत्म हुआ उसके बाद हम लोग को ये मिला। ये देखिए, ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी का है और ये कंपनी की तरफ से मिला था, ये HR हेड का है, ये सब मिला उसके बाद जो है हम लोग को निकाल दिया गया। भैया क्या कहना चाहेंगे? हम यही कह, हम ये समस्या से लेके पीड़ित है। ये कंपनी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कर रही है, लगातार फर्जी मरीजों की संख्या दिखा के शासन से भुगतान लिया जा रहा है, शासन की मिली भगत से ये घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है, जिस वजह से आज हम कर्मचारी यहाँ भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, फिर भी कोई सुनने वाला नहीं हमारी मांगों को। लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, आपकी ज्वाइनिंग कराई जा रही है, आपकी बातें सुनी जाएंगी, लेकिन सिर्फ 3 साल से आश्वासन चल रहा है और कोई बात नहीं हो रही है। ये लोग एम्बुलेंस कर्मचारी हैं और अपने जीवन को समर्पित कर दिए थे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तमाम प्रशस्त पत्र इनके हाथ में है, मेडल है। इन लोगों को जब यह प्रशस्त पत्र और मेडल मिला था तो शायद इनके चेहरे पर जो खुशी थी ये उस भाव को यही समझ सकते हैं, किंतु आज जब ये नौकरी से बाहर हैं उस पीड़ा को निश्चित रूप से इनको देख के हमें भी महसूस हो रहा है, हर व्यक्ति को महसूस होना चाहिए और सरकार को भी निश्चित रूप से महसूस होना चाहिए, इनकी समस्याओं पर अमल करना चाहिए सरकार को। जिस तरह से ये लोग स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, निश्चित रूप से इनके अनुभव को देखते हुए, इनके कार्यों को देखते हुए, इनके उदाहरण को देखते हुए इनको फिर से समायोजित किया जाना चाहिए। इन लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जब तक इन लोगों की अब मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, इन लोगों का आमरण अनशन चलता रहेगा। इन लोगों ने कार्यदायी संस्था पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उसकी जांच की भी मांग कर रहे हैं। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।